तो ये है मारुति की गाड़ियां, और इस साल यानी कि जनवरी 2022 में झटका लगाया है। जो लोग मारुति खरीदना चाहते थे, मारुति की गाड़ियां खरीदना चाहते थे, उनके भी प्राइजेस बढ़ चुके हैं। पहले मैंने आपको रेनो के प्राइजेस इंक्रीज बता दिए, उसके बाद मैंने आपको महिंद्रा के दिखा दिए, लेकिन आज बात करेंगे मारुति की, कितना कितना प्राइस बढ़ा है। फटाफट आपको दिखा देते हैं बिना किसी देरी के। सो मारुति सुजुकी ने अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं। अगर मारुति सुजुकी अरीना मॉडल प्राइस की बात करें तो मॉडल है भैया डिजायर, डिजायर तकरीबन 10,000 रुपये बढ़ चुकी है। ऑल्टो 12,500 रुपये बढ़ चुकी है। एस्प्रेसो 12,500 के आसपास बढ़े हैं, अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग थोड़ा आसपास का डिफरेंस हो गया। ये मैं एक शोरूम प्राइजेस बता रहा हूँ। विटारा ब्रीजा 14,000 के आसपास बढ़ चुकी है, यानी कि इसकी एक और फेसलिफ्ट आने वाली है। फेसलिफ्ट 2022 में बहुत इंतजार है, उसमें भी प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन वो वैल्यू फॉर मनी रहेगी। विटारा ब्रीजा 14,000 रुपये। स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट में 15,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। सेलेरियो, भैया फेसलिफ्ट किया था गाड़ी में सेलेरियो में, उसका भी प्राइस बढ़ चुका है, 16,000 और बढ़ा दिया। अब ये वैल्यू फॉर मनी रहती है नहीं रहती है तो दर्शकों को, जो लोग बायर्स हैं उनको पता लगेगा, बिकॉज पहले भी बहुत महंगे प्राइस कर दिए थे सिलेरियो के, अब फिर से और बढ़ा दिया है, तो यानी कि बड़ा 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 बड़ा। अर्टिका में 21,000 रुपये का प्राइस हाइक किया है, इको में 27,000, और वैगनार की बात करें तो वैगनार में 30,000 रुपये का प्राइस इंक्रीज कर चुकी है मारुति। उसी तरह नेक्सा के मॉडल्स, भैया मारुति सुजुकी नेक्सा के मॉडल्स की बात करें तो नेक्सा में भी अभी फिलहाल तो इतनी सारी गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी इग्निस के प्राइस 15,000 रुपये बढ़ा दिए हैं। सियाज के प्राइस 15,000, XL6 16,000 के आसपास बढ़ी है। बलेनो 21,000 रुपये बढ़ा दिए, बलेनो को भी 21,000 बढ़ा दिया है। इसका भी फेसलिफ्ट आने वाला है, बहुत भयंकर गाड़ी आने वाली है, बहुत अच्छी गाड़ी आने वाली है। S-Cross, यानी S-Cross भी कई लोगों की पसंद है, 21,000 रुपये तक का इसका प्राइस बढ़ा दिया गया है। तो मारुति ने भी अपने प्राइजेस बढ़ा दिए हैं। आप बताइए कौन सी गाड़ी का इनमें से, चाहे डिज़ायर हो, ऑल्टो हो, एस्प्रेसो हो, विटारा ब्रीजा हो, स्विफ्ट हो, सेलेरियो हो, अर्टिगा, इको, वैगनार, या फिर मारुति सुजुकी नेक्सा के मॉडल्स, इग्निस या CL6, प्लेनो, S-Cross, किसका प्राइस आपको सबसे भारी लगा? यानी कि भैया महंगाई एक तो बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम अभी कहने को गवर्नमेंट ने कम किए हैं लेकिन उतने के उतने ही हैं। 95 प्लस का पेट्रोल मिल रहा है यहाँ पर चंडीगढ़ में, और प्राइजेज ऊपर से प्राइजेस भी बढ़ चुके हैं, 1.5% से 4% या 5% तक कई कंपनियों ने बढ़ाए हैं। तो आप इन प्राइजेस को देख के डरिए मत, थोड़ा थम जाइए, थोड़ा रुक जाइए। अगर जिन्होंने लेनी है उनको तो प्राइस मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो लोग रुक सकते हैं वो 2-3 महीने और वेट कीजिए, क्योंकि मार्च के बाद हो सकता है आपको मिल रहा है भयंकर डिस्काउंट, भयंकर डिस्काउंट, भयंकर डिस्काउंट। ये देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। इनमें से कौन सी गाड़ी आप लेना चाहते हैं, ये फटाफट स्क्रॉल कर रहे हैं, फटाफट स्क्रॉल कर रहे हैं। तो प्राइजेस अपडेट हो चुके हैं मारुति के भी, बहुत सारी गाड़ियाँ प्राइजेस इंक्रीज कर चुकी हैं जनवरी 2022 में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो भैया सब्सक्राइब ठोक दीजिए, क्योंकि आप ही के लिए बन रही है सारी वीडियोस। अपडेट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, प्राइस हाइक के ऊपर भी लेकर आ चुके हैं, वो भी मारुति सुजुकी अरीना और मारुति सुजुकी नेक्सा, दोनों के प्राइजेस हो चुके हैं इंक्रीज्ड। चलिए बाय बाय, टेक केयर।